सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने सारे टॉप लेवल की गाड़ियां हैं या बोल सकते हैं टॉप सेलिंग गाड़ियां हैं, उनके साथ साथ टाटा अपने नाम को धीरे धीरे जोड़ते हुए जा रहा है। टाटा हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर जो जो गाड़ियां लॉन्च किया था उसके ऊपर भी टाटा अपनी फेसलिफ्ट लाने के लिए भी जा रहा है, जैसे टाटा टियागो, टिगोर और नेक्सॉन भी हो गया। सुनने को मिल रहा है टाटा अपने जो हैरियर निकाला है उससे पहले जो गाड़ी है टाटा के नेक्सॉन यानी कि SUV के सेगमेंट में जो दोनों गाड़ी है उनके बीच एक गाड़ी भी लाने के लिए जा रहा है जिसका नाम हो सकता है टाटा ब्लैकबर्ड। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा यह ब्लैकबर्ड, कैसे क्या कुछ रहने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, कितने प्राइस रेंज में रहेगा, पूरा डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विंटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे डिटेल्स टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सुनने को मिल रहा है टाटा अपनी टियागो, टिगोर और नेक्सॉन के फेसलिफ्ट वर्जन को हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। और भी आप देखे होंगे टाटा H2X जो कि मिनी SUV है वो भी काफी जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो इसी के तेज कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहा है टाटा अपनी जो नेक्सॉन है और हैरियर है उसके बीच के गैप को दूर करेगा, यानी कि जैसे कि आप ह्यूंडई क्रेटा को देख रहे हैं जिस सेगमेंट में, या निसान किक्स को देख रहे हैं, या किया के अपकमिंग SP2i को देखेंगे, तो उसी रेंज में उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर टाटा अपनी एक SUV के लॉन्च करने वाला है। ये एक मिड रेंज SUV रहेगा जिसका नाम ब्लैकबर्ड हो सकता है। सुनने को तो न्यूज़ काफ़ी सारे कुछ है, लेकिन जो सही न्यूज़ लगता है उसी के बारे में मैं बात करूँगा। अगर बात करेंगे ये गाड़ी टाटा के अल्फा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी और ये इंपैक्ट 2.0 डिज़ाइन के साथ भी रहेगा। इस गाड़ी की प्राइस रेंज 9 लाख से 14 लाख के अंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हैरियर की प्राइस रेंज होता है 12.69 लाख से शुरू होकर 16.25 लाख तक जाती है, और टाटा नेक्सॉन की प्राइस रेंज 6.36 लाख से शुरू होकर 10.80 लाख तक जाती है। तो उसी के बीच में टाटा ब्लैकबर्ड की प्राइस 9 से लेकर 14 लाख से बीच में ही रह सकता है। अगर बात करें इस गाड़ी की इंजन की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसमें कई सारे फीचर्स जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL जैसे कि फ्रंट हैरियर में आप देखे हैं उसी के जैसा कुछ लगेगा, और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा, 7-inch डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग तक के सेफ्टी फीचर आपको मिल सकता है, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, हिल ड्रेसन कंट्रोल जैसे कई सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, और टाटा के बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको पता ही तो है। अगर बात करें इस ब्लैकबर्ड के लॉन्च की, तो इसकी लॉन्च तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर बात करें इसकी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाए। तो अगर 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाएगा इसकी कॉन्सेप्ट को, तो 2021 यानी कि 2021 को ये गाड़ी की लॉन्च की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप ये गाड़ी के लिए वेट कर सकते हैं? क्या ये गाड़ी आए तो टाटा इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन ह्यूंडई क्रेटा और निसान किक्स जैसे गाड़ियों के साथ टक्कर दे पाएगा? इसके बारे में मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, ऑटोमोबाइल की सारे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और जल्दी से ही फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ऐसे नई नई वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। Till I get up.